Let us solve the next question. Two triangles BAC and triangle BDC right angled at A and D respectively are drawn on the base, on the same base BC and on the same side of BC. If AC and BD intersect at P, prove that AP into PC equal to DP into PB. ठीक है, now first of all we always write down given. Given में क्या है हमारे पास, triangle है BAC and triangle BDC. ठीक है, on the same base and same side BC and angle BAC equal to angle BDC equal to 90 degree. ठीक है, now हमें प्रूव करना है. टू प्रूव AP into PC equal to DP into PB. Now let's come on the proof. Triangle APB and triangle DPC. ठीक है, देखो ध्यान से, angle BAP equal to angle CDP equal to 90 degree. ठीक है, and angle APB equal to angle DPC equal y, क्या होगा हमारे पास, ये देखो ध्यान से, दिस एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल. ठीक है, नाउ इन द ट्रायंगल एपीबी एंड डीपीसी एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल, सिमिलर, यानी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देखो बीएपी सिमिलर होगा सी डी पी के. आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर. इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि कौन से क्राइटेरिया से हुए, एंगल क्राइटेरिया. ठीक है, एंगल क्राइटेरिया से क्या हुआ है, सिमिलर हुए. इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ए पी अपॉन पी डी या डी पी इक्वल टू, ध्यान से देखो, पी सी यानी कि हम बात करेंगे पी बी अपॉन पी सी. तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ए पी इंटू पी बी इक्वल टू डी पी इंटू पी बी. ठीक है, देखो ध्यान से, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिया ए पी अपॉन डी पी एंड पी बी अपॉन पी सी. ठीक है, और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था ए पी इंटू पी सी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमने यहाँ पे रॉन्ग किया, ए पी इंटू पी सी इक्वल टू डी पी इंटू पी बी. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. और देखो ध्यान से, हमें यही प्रूफ करना था. आई होप कि ये सभी को क्लियर हुआ होगा. ठीक है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया देन द फाइनल रिजल्ट. ठीक है, अब देखो ये आइडिया कहाँ से आया, हमें ट्रायंगल में उसने बोला हुआ था कि ए पी यानी ए पी अपॉन पी बी या डी पी समथिंग होगा, यानी कि मुझे आइडिया लगा कि ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तभी हम इनको जो रिजल्ट गिवन है उसको प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, किसी को कोई डाउट?